गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आप लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सुबह हो चुकी है। गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ गाइस। और सुबह इतना ही बजे से मेरा काम, या समझिए, यूँ समझिए जैसे कि ड्यूटी शुरू हो गया है गाइस। वैसे तो मैं आंगनबाड़ी जाती हूँ 8 बजे, पर मेरा ड्यूटी शुरू हो जाती है 5 बजे से गाइस। 5 या 5:30 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं जो उठती हूँ गाइस, सबसे पहले मैं चूल्हा निकालती हूँ और उसके बाद चूल्हा वगैरह जला के तब मैं जो भी होता है झाड़ू वगैरह आंगन का वो सब करती हूँ गाइस। तो मैं सुबह उठी थी तो पहले मैं बाहर निकल के देख रही थी गाइस, क्योंकि रात में मैं कोयले के भट्ठा लगाए थे गाइस शाम को, तो रात में बुताई थी गाइस पानी वगैरह डाल के, फिर भी गर्म था। तो इसीलिए मैं सुबह निकल के देख रही थी गाइस, क्योंकि रात में कोयले की चोरी हो जाती है। तो वही मैं निकल के थोड़ा सा देख रही थी, क्योंकि मेरा कोयला रोड के बगल में ही था गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, क्योंकि सुबह उठी थी तो पहले बाहर निकल के देख ली थी गाइस, क्योंकि मेरा कोयला रोड के बगल में था। तो इसलिए मैं निकल के पहले देख ले रही थी कि है कि नहीं है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ चूल्हा जलाने के लिए। और यहीं पे आज चूल्हा जला रही हूँ गाइस बाहर में। आप लोग देख सकते हैं, अभी तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और अभी कोई उठा है नहीं गाइस। इतना सुबह कोई नहीं यहाँ पे उठता है, और इतना सुबह उठ के हम मैं काम करती हूँ। तो देखिए गाइस, मेरा चूल्हा जल चुका है। अब जा रही हूँ थोड़ा सा आंगन की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और तो देखिए गाइस, मैं अभी भुंजिया काट ले रही हूँ, क्योंकि बाबू के लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। तो मैं इधर का आंगन का झाड़ू लगा ली थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी भुंजिया काटने गाइस, और चूल्हा जला के छोड़ दी थी। और इतना जल्दी चूल्हा जलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं छोटा वाला हीटर पे ही भुंजिया वगैरह बना दे रही हूँ बाबू के लिए। तब तक मेरा चूल्हा जलेगा, और तब तक हीटर में नाश्ता रोटी भुंजिया बन जाएगा गैस। तो इसीलिए मैं भुंजिया काट के उसके बाद चाय बना ली थी गैस पे, और गैस पे बना ली थी गैस। तो वही मैं चाय पी रही थी, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने से थोड़ा सा फ्रेश लगता है, और काम करने में भी थोड़ा मन लगता है गैस। तो इसलिए मैं चाय बना के थोड़ा सा पी ले रही हूँ। उसके बाद मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई गैस पे, और पहले भुंजिया बना लूँगी। और आटे गूंद के रख दी थी गैस, क्योंकि आटा गूंद के पहले रख देती हूँ तो थोड़ा सा फूल जाता है, और फूल जाता है उसके बाद रोटी वगैरह बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और मुलायम भी बनता है गैस थोड़ा देर गूंद के रख देने से, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता आटा। तो देखिए गैस, मैं अभी डाल दी हूँ भुंजिया, और तेल वगैरह डाल के गर्म हो गया था गैस। तो इसीलिए मैं आलू का भुंजिया पहले बना दे रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रोटी बना दूँगी गैस। और झाड़ू वगैरह भी लगाना था, तो एगो आंगन का झाड़ू लगा के मैं भुंजिया काट ली थी गैस। तो आ गई हूँ पहले, अब पीछे तरफ का आंगन बाकी था झाड़ू लगाना, और गैस पर भी भुंजिया चढ़ा हुआ था गैस। और मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी, क्योंकि उधर भुंजिया भी चढ़ा दी थी गैस पर, और इधर आंगन बचा हुआ था झाड़ू लगाने के लिए। तो इसीलिए मैं इधर भी आ गई थी, झाड़ू लगा ले रही हूँ गैस इधर का। और उसके बाद मेरा देखिए गैस भुंजिया हो चुका गैस पे, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रोटी बना दे रही हूँ बाबू के लिए। और आज सोच रही थी कि थोड़ा घी वगैरह लगा देती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेल वाला रोटी बना दे रही हूँ। और वैसे तो मैं सूखा वाला ही रोटी ज़्यादातर देती हूँ बच्चा लोग को, ज़्यादा तेल का सामान नहीं देती हूँ गैस, क्योंकि तेल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा तेल का सामान पूड़ी वगैरह जल्दी नहीं बनाती हूँ गैस। महीना में एक आध बार बन जाता पूड़ी वगैरह, और ज़्यादा तेल का सामान हमारे घर में नहीं बनता है, क्योंकि तेल का सामान ज़्यादा खाने से थोड़ा सा लीवर वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए गैस, मेरा रोटी बन चुका था, तो आज घी वाला रोटी बना दी थी गैस, थोड़ा सा परोठा है, और भुंजिया भी बन गया था गैस। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाय चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद मैं टिफ़िन में भर दे रही हूँ गैस बाबू। तो देखिए गैस, मैं टिफ़िन अभी तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल रहता है 7 बजे गैस, तो इसीलिए 6:30 बजे ही घर से निकलता है, और 6:30 बजे तक नाश्ता वगैरह तैयार कर देना पड़ता है गैस। सारा काम करके नाश्ता भी तैयार करना पड़ता है, तो कभी कभी झाड़ू वगैरह छूट जाता है घर का, और उसके बाद ही जैसे नाश्ता वगैरह बन जाता है गैस, तो मैं फिर से काम में अपने जुट जाती हूँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो देखिए गैस, मेरे बाबू का टिफ़िन भी बन चुका है,
और मेरा बाबू अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था गाइस, तो मेरा बाबू स्कूल चला गया। उसके बाद मैं फिर से अपने काम में जुट गई हूँ और झाड़ू वगैरह लग चुका था गाइस घर का, और सिर्फ पोछा वगैरह बाकी था, तो इसीलिए मैं फिर से अपने काम में जुट गई हूँ और पोछा बाकी था इसीलिए मैं फिर से पोछा लगाने आ गई हूँ गाइस। और चारों रूम का मेरा पोछा लग चुका था, सिर्फ बरामदा बाकी था, तो इसीलिए मैं बरामदा का पोछा लगा ले रही हूँ। और वैसे गाइस मैं किचन का पोछा लगा लेती हूँ तभी ही चूल्हा अंदर करती हूँ, और पोछा लग जाता उसके बाद चूल्हा अंदर करके तब खाना वगैरह तैयार करती हूँ गाइस। और ऐसे बासी घर रहता है तो अच्छा नहीं लगता खाना बनाने में, तो इसलिए मैं सबसे पहले चूल्हा वगैरह जला के उसके बाद जो भी होता है घर का झाड़ू और आंगन का झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत ही पोछा करने लगती हूँ गैस। और पोछा लग जाता है तो सबसे बड़ा टेंशन दूर हो जाती है, और पोछा लगा हुआ रहता है गैस तो अच्छा लगता है घर, उसके बाद खाना वगैरह बनाने में भी अच्छा लगता है। और तो पोछा लगा लेती हूँ गैस, उसके बाद किचन में चूल्हा वगैरह रख के उसके बाद जो भी होता है चावल का पानी या दाल का पानी चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद जो भी बचा हुआ काम रहता है उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ। तो गैस मेरा पोछा वगैरह लग चुका है, और अब आ गई थी मैं थोड़ा सा कोयला जो भट्टा लगाई थी गैस अब उसको अंदर कर ले रही हूँ, क्योंकि अंदर करके उसके बाद मैं नहाऊंगी गैस, क्योंकि यही थोड़ा सा काम बचा हुआ था, बाकी बाद जितना सारा सुबह सुबह का काम होता सारा मेरा ख़त्म हो चुका था, सिर्फ बचा हुआ था यही कोयला का काम, और इसीलिए मैं थोड़ा सा अंदर कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर नहा के उसके बाद करेंगे गैस तो थोड़ा सा गंदा हो जाएंगे, क्योंकि छाई वगैरह लग जाएगा, और सुबह सुबह मेरा आंगनबाड़ी भी रहता है गैस, तो इसीलिए मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है गैस, थोड़ा सा अकबकाहट हो जाती है, क्योंकि सुबह 8 बजते सारा काम ख़त्म करना पड़ता है, और उसके बाद नहा के अगरबत्ती वगैरह जला के ही जाती हूँ गैस, क्योंकि नहा के उसके बाद जाती हूँ तो थोड़ा चाय पानी भी पी लेती हूँ और नाश्ता वगैरह भी करती हूँ गैस। और बिना नहाए खाना खाने का मन नहीं करता, जैसे कुछ भूल रहे हैं, तो इसीलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ फटाफट, सुबह काम करके उसके बाद नहा उगा के चली जाती हूँ आंगनबाड़ी। तो हाउ यू होप की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब।